मम्मी आज सुशी के लिए पैक कर दोगे सैंडविच, उसकी ना मेड नहीं आ रही है। हाँ कर देती हूँ। अरे आज तो सुबह सुबह उठ गया हमारा रॉकस्टार। बैठ के खाना बेटा, मम्मी लेट हो रही है बहुत। कहाँ जा रही हो? एक गिटार सेशन है। रोज का हो गया इसका तो। एमबी का फॉर्म भरा कि नहीं? भर देगी पापा। फाइनल सेमेस्टर चल रहा है इसका, कुछ सोचा है कि करना क्या है? मुझे तो समझ नहीं आता इसने लाइफ में करना क्या है, इसी तरह गिटार लेके घूमती रहेगी क्या? हद होती है किसी बात की। कीर्ति ने आज डिनर भी नहीं किया। आपको उससे सुबह ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बात करता हूं उससे। पहले डांटते हैं फिर बात करते हैं। कीर्ति बेटा। पापा कीर्ति थक गई है, उसे सोने दो ना। ऐसे कैसे सो गई बेटा, उसने कुछ खाया पिया तो है ही नहीं। वो बाहर से खा के आई थी, आप जब नहीं, नहीं, सोने कुछ दो उसको जगाओ पापा उसको। प्लीज कीर्ति। कीर्ति कहाँ है? वो कहाँ है कीर्ति? क्या हो गया? कीर्ति कहाँ है? कीर्ति रोशनी तो तुझे पता था इसके बारे में? किस बात की बड़ी बहन है तू इसकी? पापा कब से चल रहा है ये सब? पापा बस आज ही गई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जाने की? और घर में तूने क्या क्या झूठ बोल रखा है? आप शांत हो जाइए ना, मैं कर लूंगी बात इससे। क्या बात करोगी तुम? पता नहीं कॉलेज जाती भी है कि नहीं, या कॉलेज के नाम पे हमको बेवकूफ बना रही है। जाती हूँ कॉलेज पापा, और कोई पाप नहीं किया मैंने। ईशा के घर गई थी प्रैक्टिस के लिए, और काश कि आपसे मेरा रिश्ता ऐसा होता कि मैं आपको बता के जा पाती। देख रही हो उसकी जुबान, सुन रही हो? गिटार गिटार गिटार। लोग बीबीए के बाद एमबीए करते हैं और इनको गिटार बजानी है। पापा बाकी लोग क्या करते हैं उससे मुझे क्या, मैं क्या करना चाहती हूँ वो आपके लिए मायने नहीं रखता क्या? तो कल को क्या गिटार बजा के पेट पालेगी अपना? अरे लोग हंसेंगे तुझ पर और हम पर भी। जब आप ही मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो तो मैं बाकी लोगों से क्या उम्मीद करूं? और हमारी उम्मीद? मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, आपके ताने सुन सुन के ना मैं थक गई हूं बिल्कुल। गुड नाइट। मेरी बातें इसको ताने लगती? ठीक है करो जो करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर क्या गलत बोला उसने? ठीक ही तो बोल रही है, गिटारिस्ट बनने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, ये एंटरटेनमेंट के लिए हो सकती है पर करियर चॉइस नहीं। बेटी हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें सपने भी मिडिल क्लास देखने चाहिए। आप कहां लिखा है ऐसा? रोशनी बस बस कर जा, तू भी सो जा बेटा, जा गो। ये सब तुम दोनों का किया करा है, तुम दोनों ने उसको बिगाड़ के रखा होगा। अरे वाह, नीरज चोपड़ा पहुंचा डायमंड लीग तक,
रचा इतिहास, कितना प्यारा बच्चा है और देखो इंडिया का नाम कितना रोशन किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं, लड़का कमाल का, काफी अच्छा कर रहा है वो, गजब का खिलाड़ी। I'm sure नीरज चोपड़ा की पेरेंट्स ने उसे काफी सपोर्ट किया होगा, तभी तो इतनी सक्सेस मिली, नहीं? ये बात तो है। अब सोचो नीरज चोपड़ा के पेरेंट्स उसे स्पोर्ट्स पर्सन बनने से मना कर देते, या MS धोनी के पेरेंट्स ने उसे मना किया होता कि वो क्रिकेट ना खेले, या अमिताभ बच्चन के पेरेंट्स ने उन्हें एक्टर बनने के लिए सपोर्ट ना किया होता, तो आज हम में से कोई शायद उनका नाम भी नहीं जानता, या शायद वो एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे होते, या पता नहीं क्या। बट मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद भी दे प्रूव्ड कि वो लोग भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं, है ना पापा? कीर्ति इधर आओ, कीर्ति। क्या हुआ? तो सोच लिया तुमने यही करना है? क्या? यही तुम्हारा गिटार? हाँ। सीरियस हो? हाँ। ठीक है फिर, ये भी ट्राई कर लो। क्यों? थैंक यू बाबा। और अब तुम जाओ अपनी गिटार लेकर आओ और हम सबको सुनाओ, ओके? जी। सपने पूरे करने के लिए सोसाइटी की वैलिडेशन नहीं बल्कि माँ बाप का सपोर्ट चाहिए होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब टू लाइफ स्टाइल।